कितना दिन हो गया? समय लगा है। हमने देखा कि जिनके पास ज़्यादा पैसा था और जिनके पास कम पैसा था, दोनों एक ही तरीके की डेथ रेट से जा रहे थे। तो फिर हमको लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसको, जो हमारे जाने के बाद भी जिसका इम्पैक्ट बना रहे और जो हम क्रिएट करें वो, मतलब उसका आगे कार्य कंटिन्यू हो। हम पैसे कमा लेंगे और हम कोरोना में मान लीजिए चले जाते हैं तो उसका कुछ फायदा बारे में खाली लोग जाती चिकनकारी और खाना, जो जो चीज़ हमेशा लोग बात करते, पर यूपी में और बहुत सारी कलाएँ और का जो हैंड वूवन कपड़ा जो है, जो हाथ का बना हुआ कपड़ा, वो इतना खूबसूरत है। जैसे आप देखेंगे सब यही है और ये सब हाथ का बना हुआ है, हाथ का बनाया हुआ है। कढ़ाई भी बहुत खूबसूरती से होती है और जो ये काम कर रहे हैं आजकल काफ़ी यंग बच्चे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी आप हम लोगों के आसपास देख रहे हैं, ये जितनी भी दीवार पे लगाने वाली वॉल हैंगिंग्स हैं, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से बनकर आई हैं, एम्ब्रॉयडर होके आई हैं। जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये जो वॉल हैंगिंग्स हैं हमारी, ये वॉल हैंगिंग हमारी 25 दिन में हमारे ग्रामीण वुमेन ने बनाई हैं, औरतों ने बनाई हैं, जिसको हम लोगों ने 1 साल 6-8 महीने तक हम लोगों ने ट्रेन किया है। इसमें IIM अहमदाबाद ने हम लोगों की पूरी मदद की है, CCBP क्रिएटिव एंड कल्चरल बिजनेसेस प्रोग्राम ने, इस पूरे बिजनेस मॉडल को खड़ा करने के लिए। और जो आप इसमें देख रहे हैं, एक एक टाँका इसमें बराबर है। और ये आप पीछे से देखिए, ये पूरा हाथ का काम आया है। और ये जो भी छोटे छोटे कुशन कवर्स हैं, जिसको हम बिज़नेस की भाषा में फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कहते हैं, ये सब हमारे ग्रामीण औरतों ने बनाए हैं। अब आप पूछेंगे ग्रामीण औरतें गांव में रह के बनाती हैं, हम लोग डिज़ाइन कैसे भेजते हैं, तो उसका मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो चूड़ी होती है, जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, उसमें धागे ऊपर से लेकर नीचे तक जो दिशा होती है उसमें रंग लगा के भेजते हैं, कलर कोडिंग कहते हैं हम लोग। तो मैं आर्किटेक्ट हूँ तो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं मूड बोर्ड बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बट वहाँ पे हम लोग मैन्युअली रंग जो लच्छियाँ होती हैं, धागे होते हैं रंग के, उनको गाँव में उस तरीके से चूड़ी में लगा के भेजते हैं। फिर वो हमारे पत्ती में कौन सा रंग होगा, इसमें कौन सा रंग होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जो सबसे बड़ी वॉल हैंगिंग है, ये इस वॉल हैंगिंग में आप ये समझिए कि जब ये पहली बार हमारे गांव के आंगन में रखी गई और 15-20 औरतें आईं, जो कि सब शादीशुदा थीं और वो चिकनकारी का काम करती हैं, जिसके लिए उनको समझ लीजिए एक कुर्ते का 200-250 रुपए मिलता है। और उसको उन लोगों को हम लोगों ने समझाया कि आप ये काम करिए, आप महीने भर में 15 दिन में एक कुर्ता बनाती हैं, आप इसके लिए 2 महीने लीजिए, हम आप अगर आप 2-3 हज़ार रुपये भी कमाएंगी, हम आपको इसके पूरे 10 हज़ार रुपये देंगे पूरे क्लस्टर वुमेन को, लेकिन आप एक प्रोडक्ट पे अपनी दिलो जान लगाइए और उससे ज़्यादा कमाइए, जिससे कि जब कोई देखे तो आपको आपकी वो महत्व समझे, आपकी कला की महत्व समझे। कितना समय हो गया आपको ये सब करते हुए? सर हमको 1 साल 8 महीना तो हम लोगों को गांव में टीम खड़ी करने में हुआ, क्योंकि जनरली क्या होता है, गांव वाले भरोसा नहीं करते हैं, कि लोगों को लगता है ये पब्लिसिटी के लिए आ गए, 4 दिन आएंगे फिर ये गायब हो जाएंगे, ये मीडिया में छपवा देंगे और फिर ये चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों का, क्योंकि IIM अहमदाबाद का बहुत बड़ा रोल है, हम लोगों को लगातार तरकीबें बताने में कि उनको कैसे बांधना है, कैसे समझाना है कि उनका फ़ायदा कहाँ है। कहाँ से आया ये? सर ये आइडिया, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट था और ये कोविड के समय जब हम लोग घर के अंदर बंद हो गए थे, तो ये मेरी मदर ने, वो हम लोग टीवी पे देख रहे थे कि सब ग्रामीण वाले माइग्रेशन जो हुआ था वो असली पिक्चर तब देखी जब वो पैदल घर जा रहे थे, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी लोगों की जब जाने में, तो उससे हमको आया कि कुछ ऐसा बिज़नेस मॉडल हो कि गांव वालों को काम मिले और वो घर में रह के ही सेल्फ सस्टेनेबल एक बिज़नेस मॉडल बने। और सिंस मैं आर्किटेक्ट था तो डिज़ाइन की मेरे दिमाग में कमी नहीं थी, लेकिन हमारे पास फंड्स की कमी थी, तो हम लोगों ने तब भी ज़ीरो से शुरू किया, एक गांव से शुरू किया, फिर धीरे धीरे मतलब वो एक सिलसिला बन गया। कितने लोग अभी तक आपके साथ जुड़े हैं? सर अभी अगर आप हम मुझसे नंबर्स में पूछेंगे तो 4 गांव कन्नौज के पास है हमारे पास, अरौल, धर्मशाला,
बिल्हौर में गांव है बरौली, जिसका दो तीन वॉल हैंगिंग्स यहाँ लगी हुई हैं, उनको मिला के वहाँ कम से कम 30-40 औरतें हैं जो एक्टिव काम कर रही हैं। हम उन्हीं औरतों को गिनते हैं जो हमारी परफेक्ट हो गई हैं, वो उनको नहीं गिनते हैं जिनको वो 40 औरतें और सिखा रही हैं। तो वो मान के चलिए वो 60 औरतें और हैं, बट अभी वो उतना स्किल नहीं है कि वो हमारा आखिरी प्रोडक्ट बना सकें। दिल तैयार इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे जो को फाउंडर हैं वो मेरी मदर हैं, उनको मेन कढ़ाई की स्किल है, वो इसकी स्पेशलिस्ट हैं। वो औरतों के साथ बैठती हैं, उनको बताती हैं कि उनको कैसे सीखना है, कैसे नई कला सीखनी है, और वो बैठ के उनको सिखाती हैं जो आप इंटरनेट पे तमाम वीडियोस में और मीडिया में देखेंगे। और जो डिज़ाइन का काम है वो हम करके भेजते हैं, और फिर जब हम अहमदाबाद जाते हैं वहाँ से चीज़ें हम भाग दौड़ करके बताते हैं। बट हाँ, अभी तक इसकी अचीवमेंट क्या रही है? अचीवमेंट सर सबसे बड़ी ये रही है कि जो काम जब हम लोगों ने शुरू किया था और सबने कहा था ये इम्पॉसिबल है, भारत के ग्रामीण इलाकों में से नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी आपके पास पैसे नहीं है और आप माँ बेटा हैं, और जैसे सैफ सर हो गए, ये लोग लखनऊ से हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने सैदन हमको मतलब इन्होंने सैदनपुर में डाला, हमने यूपी में डाला, फिर हम लोग जुड़ गए साथ में कि आप अपनी कंपनी बनाइए, हम अब तो आपस में एक साथ मतलब सेम सोच वाले लोग जब जुड़े तो उससे हमको बहुत आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं चलो चलते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सर क्या परिचय हुआ आपका? इधर मेरा नाम सैफ हबीबुल्ला है, और सॉरी मेरा नाम सैफ हबीबुल्ला है, और मैं सैदनपुर गांव से हूँ जो मेरा पुश्तैनी गांव है। और रिशु और ऋषभ और हम दोनों ने डिसाइड किया 2 साल पहले कि हमें कुछ करना चाहिए ग्रामीण लोगों के लिए, क्योंकि ये आर्किटेक्ट हैं और मैं राजीव सेठी जो डिज़ाइनर है उनके साथ काम करता था, उससे पहले ITC में एग्जीक्यूटिव था। तो हमने सोचा कि हमें ग्रामीण लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं अपने गांव गया सैदनपुर जो मेरा पुश्तैनी गांव है, और मैं वहां रहने लगा। मैं एक्चुअली बहुत कम लोग अपने गांव में जाके रहते हैं, फिर मैंने वहां देखा कि ये सब कलाएं, इतनी सारी कलाएं, वीविंग की कलाएं हैं और भी बहुत कलाएं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीविंग से शुरू करता हूँ। तो ऋषभ ने कहा कि आप कपड़ा बनाइए, क्योंकि आपके पास बाराबंकी जो है हैंडलूम डिस्ट्रिक्ट है, वीवर्स हैं वहाँ पे, सब जो डाइंग होता है कपड़ों का वहीं पे होता है। तो फिर अब मैंने वहाँ शुरू किया कपड़ा बनवाना शुरू किया। ये स्कार्फ्स जो यहाँ रखे हुए हैं सब बने हुए हैं बाराबंकी, बहुत खूबसूरत स्कार्फ्स आए हैं, और लोग जानते भी नहीं कि इतनी खूबसूरत चीज़ें यूपी में बनती हैं। एक्चुअली यूपी के बारे में खाली लोग जानते हैं चिकनकारी और खाना, जो चीज़ हमेशा लोग बात करते हैं, पर यूपी में और बहुत सारी कलाएं हैं। उनका जो हैंड वोवन कपड़ा जो है, जो हाथ का बुना हुआ कपड़ा, वो इतना खूबसूरत है। जैसे आप देखेंगे सब यही है, और ये सब हाथ का बुना हुआ है, हाथ का बनाया हुआ है। कढ़ाई भी बहुत खूबसूरती से होती है, और जो ये काम कर रहे हैं आजकल काफ़ी यंग बच्चे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, और उनकी जो लड़कियाँ हैं यंग लड़कियाँ हैं वो सब ये काम कर रही हैं। तो हमने सोचा कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा हमारे द्वारा कि वो लोग जान पाएंगे कि क्या क्या इतनी खूबसूरत कलाएं हैं, कि लोग जानते नहीं यूपी के बारे में। सर क्या रही है? अब काफ़ी हमने चीज़ें बनवाई हैं, काफ़ी सैंपल्स बन गए हैं, लोगों को पता भी चला है कि लोग काम करते हैं, ऑर्डर्स भी बहुत मिलना शुरू हो गए। अभी हम टर्नओवर के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हमने शुरू किया है, तो अभी हमें रिजल्ट्स देखेंगे क्या कैसा होता है, पर जो शुरुआत हुई अच्छी शुरुआत हुई। कहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी, कितने राज्यों में आप लोग पहुँच चुके हैं? मैं तो सैदनपुर गांव, हमारे 14,000 लोग रहते हैं मेरे गांव में, और उसके इर्द गिर्द भी काफ़ी सारे गांव हैं, तो कुल मिला के वहाँ 1,00,000 की आबादी है। तो ये सब लोग यही काम करते हैं, कढ़ाई और बुनाई और ये सब, और इन लोगों की सब पूरे उस एरिया से ही सामान है। तो इन लोगों को प्लेटफॉर्म बहुत चाहते, वो भी बहुत चाहते थे कि मैं उनकी कलाओं को दिल्ली में दर्शाऊं, तो मैं आई थिंक वो उनकी इट्स देयर अचीवमेंट मोर देन माइन। इसी में ही बहुत खुशी मिलती है जब हम फोटो भेजते हैं, जैसे आपने देखा या किसी ने देखा, तो उनके प्रोडक्ट जो उन्होंने काढ़ा है, जब वो देखते हैं कि हाँ मेरे साथ में दिल्ली में इतने बड़े शहर में लोग मेरा प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो उससे जो उनको 10 times ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेचुरल है जो जिस हिसाब से कारें हैं, अद्भुत कारें हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप जो आपके गांव हैं, हम सब किसी गांव से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ जाएं, उनकी लोगों की कलाएं देखें और उनको प्रमोट कीजिए, उससे आपका भी फ़ायदा होगा और देश का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप युवा हैं, युवा होके आजकल जो देश की युवा पीढ़ी है वो आधुनिकता की चकाचौंध में ज़्यादा भाग रही है। हाँ,
ऐसे समय में आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, क्या हाँ, कहना चाहेंगे युवा? सर, इसमें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जो कोविड में हमने देखा कि जिनके पास ज़्यादा पैसा था और जिनके पास कम पैसा था, दोनों एक ही तरीके की डेथ रेट से जा रहे थे। तो फिर हमको लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसको, जो हमारे जाने के बाद भी जिसका इम्पैक्ट बना रहे और जो हम क्रिएट करें वो, मतलब उसका आगे कार्य कंटिन्यू हो। हम पैसे कमा लेंगे और हम कोरोना में मान लीजिए चले जाते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे डिलीवरेबल देंगे अपना, तो उससे कई घरों में तो ये चूल्हा तो जलेगा ही जलेगा, बट एक ऊर्जा, लेकिन जो एक ऊर्जा होती है ना, जब आप गांव में कभी जाइए, जब हमारी गाड़ी जाती है तो उस हमारे, हमें बुलाना नहीं पड़ता किसी को, लोग ऑटोमेटिकली चले आते हैं, तो उनको एक ट्रस्ट से ज़्यादा उनको उनका अपना भविष्य दिखता है। लोग कहते भी हैं कि अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो उसको एक वक्त खाना खिलाने की जगह उसको एम्पावर कर दीजिए कि स्किल बढ़े।